डेटा को सॉर्ट करने के हवाले से आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है, सॉर्ट माने होता है तरतीब दे देना। सॉर्ट करने का मकसद ये होता है कि जैसे फिल्टर को आप एक्टिवेट करें, इनके कॉलम्स पर डेटा एक्टिवेट हो जाएगा और ये कॉलम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टेड है तो आप किसी भी कॉलम के हिसाब से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और डेटा आपको उसी तरह से दिखाई देगा। लेट सपोज अगर सेल्समैन के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है तो ए टू जेड, तो ए से शुरू होने वाली सेल्समैन की सारी एंट्रीज आपको नजर आएंगी और अकॉर्डिंगली पूरी रो का डेटा चेंज हो जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी प्रूफ है वो ये है कि देखें, ये अगर अबरार अली पहले नंबर पे आया तो उसका सीरियल नंबर 13 था, और अगर हम यहाँ पे जाके इसको सॉर्ट करते हैं ए टू जेड तो सीरियल नंबर 13 पर आपको वही एंट्री देखने को मिलेगी जो सबसे टॉप पर आई थी। अगर आप यहाँ पे जाके सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के हिसाब से ये आपको सॉर्ट करके दे देगा और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको सबसे लोएस्ट पर नजर आ रही होगी। इसी तरह से अगर आप इसको करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ी एंट्री आपको पहले दिखाएगा और सबसे छोटी एंट्री आपको सबसे लास्ट में डेटा पे डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जेड टू ए, तो जेड से शुरू होने वाले लेटर्स के हिसाब से आपको डेटा को शो करना शुरू करेगा और फाइनली ए से शुरू होने वाले डेटा के लेटर को दिखाएगा। दोबारा से डेटा को अरेंज करना है तो यहाँ जाके ए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको एक्टिवेट से डीएक्टिवेट कर देंगे।